लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का अपने भतीजे को लेकर शुक्रवार को दर्द छलका। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने मुझे कभी प्रचार के लिए नहीं बुलाया। हवाई अड्डे के पास ही मैं कार्यालय में रहता हूं। वे यहां से रोज गुजरती हैं, कभी पैर छूकर आशीर्वाद लेने भी नहीं आए। चिराग से जुड़े सवाल पर पशुपति पारस ने यह सब कुछ कहा। देखिए वीडियो, उन्होंने और क्या कुछ कहा। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय के मैं रहता हूँ इसी में। चिराग पासवान जी रोज दो बार आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि वो चाहता से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेकर कहते चले चिराग। मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया तो उनके कहने से क्या होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो ना सही है जी, वो तो उम्मीदवार हैं, इस होकर आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते ना कि चिता चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार मुलायम के साथ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ। चलिए।